नमस्कार। आप सबकी से उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इस तरीके से नई रेसिपी लाए हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पर्दा पुलाव। हमने पर्दा गोश्त बिरयानी दी है, वो रेसिपी आप देख सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इस तरीके से बनी थी। और आज हम बनाएंगे चिकन पर्दा पुलाव, तो ये बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ऑयल आधा कप, इसमें हम डालेंगे प्याज, ऑनियन, एक बड़े साइज का हमने लिया था ऑनियन। अगर आप मीडियम साइज के ले रहे हैं तो आपने फिर दो लेने हैं, और अगर बड़े साइज का ले रहे हैं तो एक लेना है आपने। और इसको इस तरह आपने बारीक काट लेना है, और फिर आपने इसको फ्राई करना है। इसमें ये इतना टेस्टी होता है कि आप इसको बहुत ही शौक से खाएंगे और बहुत ही तरीके से बनता है। तो चलिए अभी हम इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और चावलों को आपने पहले से ही भिगो कर रख देना है, आधे घंटे तक भिगो कर रखना है आपने चावलों को। तो यहाँ पर देखिए आपने इसको इतना ही फ्राई करना है कि थोड़े से सॉफ्ट से हो जाए, पिंक पिंक हो जाए, इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक एक चम्मच, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं हसबे जायका। और अभी हम इसमें चिकन डालेंगे, 1 किलो चिकन आपने ले लेना है और वो आपने इसमें डालना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको काट लेना है, ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं डालना। अभी हम इसको इसमें इस तरह मिक्स कर लेंगे, इस तरह 5 मिनट तक हम इसको इसमें इस तरह फ्राई करेंगे चिकन को, कि चिकन इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन भी इसमें थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। और अभी हम आपको बताते हैं कि आपने इसके साथ क्या करना है। अभी आपने इसमें पानी डालना है, पानी आपने इस तरह डाल देना है। हम स्टील के ग्लास से पानी डाल रहे हैं, पहले आप पानी डाल देंगे फिर मैं आपको बता दूंगी कि हमने इसमें टोटल कितना पानी डाला है, कितने ग्लास पानी हमने इसमें डाला है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसके साथ 1 गिलास और डाल देंगे, तकरीबन 3 गिलास पानी हो चुका है, हमने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाला है। और अभी हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, इसके लिए हमें चाहिए होगी इस तरह कोई भी आप कपड़ा ले ले, मलमल का, आप मलमल का कपड़ा ले ले। हमने यहाँ पर जाली ली है, एक छोटे से कप के ऊपर आपने इसको रख देना है, और इसमें आपने सारे मसाले डालने हैं। देखिए इस तरह अभी हम इसमें मसाले डालेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी, फिर इसको हम बांध लेंगे और इसमें रख देंगे, यानी मसालों का फ्लेवर भी इसमें चला जाएगा और ये मसाले इसमें हर भी नहीं होंगे, यानी जब आप इसको खाएंगे तो आपको मसाले हटाने नहीं पड़ेंगे। अक्सर लोग साबुत मसाले हटाने में सारा जायका मिस कर देते हैं, यानी सही समझ नहीं आता कि हमने कुछ खाया है कि नहीं, वो इसको हटाने पे लगे होते हैं। यहाँ पर हमने साबुत काली मिर्च डाली है 1 चम्मच भर के, इसके साथ तेज़पत्ता डाला है 1 अदद, ये टूट गया है। दालचीनी हम इसके साथ डाल देंगे 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची अभी हम इसमें डालेंगे इस तरह 3 अदद आपने हरी इलायची इसमें डाल देनी है। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन, साबुत लहसुन आपने लेना है, यानी पीसना नहीं है इसको, इस तरह छिलका हटा देना है। 2 अदद ये आपने डाल देने हैं इसमें, 2 अदद टुकड़े आपने इसके डाल देने हैं इसमें, इस तरह आपने इसको इसमें डाल देना है और फिर आपने इसको बांधना है। इस तरह ये देखिए अभी हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, इसके साथ लौंग डाल देंगे 3 अदद, इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया साबुत, इसके साथ हम डालेंगे सौंफ 1 चम्मच, इसके साथ ये डाल देंगे काला जीरा 1 चम्मच,
अभी हम इसको बांध लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसमें चिकन भी बॉईल हो रहा है यानी पक रहा है इसमें चिकन, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही इस तरीके से बनेगी। इस तरह देखिए आपने इसको अच्छी तरीके से बांध लेना है। आपने इसको मलमल के कपड़े में करना है, हम यहाँ पर इसको जाली में कर रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं और मलमल के कपड़े में कर सकते हैं। आपने अभी ये कपड़ा इसमें इस तरह रख देना है। आपने साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना। तो इसको आपने इस तरह रख देना है, ये अपना फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से छोड़ देगा। तो यहाँ पर हमने इसमें ये कपड़ा रख दिया है मसालों वाला, और इसको 3 मिनट तक हमने तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको इसमें बॉईल कर लिया है। और अभी हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को हमने अलग से रखा था पानी में भिगोकर, पानी हमने इसका निकाल दिया है, छान लिया है इसको। और अभी हम इसको डाल देंगे सीधा इस यखनी में, चिकन में इसमें हम डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह, देखिए इस तरह। और इस कपड़े को हम इसमें रहने देंगे कि इसका फ्लेवर इसके साथ और भी अच्छा हो जाए। और इसमें हम इसके साथ डालेंगे किशमिश, किशमिश हम इसमें डालेंगे इसके साथ। आपने इसको चावलों को इस तरह डाल देना है। तो देखिए हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे, और अभी हम इसके साथ इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को आपने अच्छी तरीके से धो लेना है और इसमें डाल देना है, तकरीबन ये आधा कप है, इसको हम इस तरह इसमें डाल देंगे और इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इस तरीके से बनता है। अभी हम इसका ढक्कन रख देंगे और इसको हम इसमें पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको इसमें पकाएंगे। यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी खुश्क हो चुका है। 15 मिनट तक हमने इसको पकाया है, 10 मिनट तक हमने पकाया था लेकिन इसका पानी खुश्क नहीं हुआ था, तो हमने इसको 10 मिनट और 5 मिनट और पका लिया। 15 मिनट तक हमने इसको पका लिया था। तो अभी हम इसके साथ क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने जो घर में नॉर्मली आटा आप गूंथते हैं, आपने उस तरह ही आटा गून कर रख देना है, और उसकी आपने एक पतली सी रोटी बनानी है। फिर आपने उसके साथ क्या करना है मैं बताती हूँ। अभी हम ये चावल यहाँ से हटा देंगे, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे पहले। फूड कलर हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 3 ड्रॉप्स हमने डाल दिए हैं इसमें, 3 कतरे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर हमने इसमें पानी डाल दिया है। और फिर आपने इस तरह इसमें डाल देना है, और इस कपड़े को आपने इससे निकाल देना है। तो देखिए इस तरह हमने इसको इससे निकाल दिया है। और अभी हम इसके साथ क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा रस कर दिया है, और अभी हम इसको इस तरह, आप जो नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं वही आपने रख देना है, नमक और पानी उसमें डालते हैं आप, उससे ही आप गूंथते हैं उसको, वही आटा आपने लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने पतला बेल लेना है। तो चलिए हम इसको बेलते हैं अच्छे तरीके से, फिर हमें आपको बता दूँ कि क्या करना है। यहाँ पर हमने इसको बेल लिया है, और आपने इस तरह कढ़ाई ले लेनी है दूसरी, और इसको ऑयल से ग्रीस कर देना है। और अभी आपने इसमें ये रख देना है, ये रोटी आपने इसके अंदर रख देनी है। किस तरह रखनी है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह इसके ऊपर रख दे, इस तरह अच्छे तरीके से रख दे आप इसको, कि फिर हम इसके अंदर चावल भी डाल सकें। और दूसरी रोटी को आपने बेल लेना है, आपने फिर इसके ऊपर डालना है इस तरह, देखिए इसको चिपका दे इस तरह साइड्स पे। इस तरह देखे, और अभी हम इसके इसके अंदर डालेंगे चावल।
सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही गीले गीले चावल है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, अभी नहीं, पहले हम इसको इसमें डाल देंगे, फिर हम इसको इसके ऊपर डालेंगे बाद में। इस तरह देखिए आपने सारे चावल इस तरह डाल देने हैं इसके अंदर, और इसके लिए दूसरी रोटी को आपने बेल देना है। तो चलिए हम इसमें सारे चावल डालते हैं और दूसरी रोटी को बेलते हैं। तो आप इस तरह अगर इस तरह थोड़े से चावल डाल दे, फिर आपने इसके ऊपर डाल देना है गरम मसाला इस तरह आधा चम्मच, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम डाल दे सॉरी, क्योंकि हम इस तरह थोड़े से चावल डालते रहेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, यानी तकरीबन दो बार हम इसमें डालेंगे। एक हमने डाल दिया है, दूसरी बार भी हम डाल देंगे आधा चम्मच, यानी एक चम्मच हो गया। तो इस तरह हम सारे चावल डालते हैं और इसके लिए दूसरी रोटी बेलते। तो चलिए फिर आपसे मिलते। यहाँ पर देखिए हमने इसके लिए दूसरी रोटी को भी बेल लिया है और अभी हम इसके ऊपर रख देंगे ये वाली रोटी। इस तरह देखिए इसके ऊपर आपने ये रोटी रख देनी है और इसके साइड्स को दूसरी वाली रोटी के साथ चिपका देना है इस तरह अच्छी तरीके से कि ये बंद हो जाए। तो अभी हम सीधा चूल्हे की तरफ चलते हैं, आपने इसको इस तरह बंद कर देना है। पर हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, हल्के आंच पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड से, और फिर हम इसके ऊपर रख देंगे पैन। तो इसको हम पलट देंगे उसमें और फिर हम इसको दोबारा से इसका दूसरा साइड रख देंगे नीचे की तरफ कि वो भी इसमें फ्राई हो जाए तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड से, 3 मिनट तक दूसरी साइड से। अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है इसमें कि अच्छी तरीके से दम पे रख देना है आपने इसको। तकरीबन 6 मिनट हो गए, एक साइड से 3 दूसरी साइड से। तो चलिए हम इसको पकाते हैं हल्के आँच पे। तो यहाँ पर देखिए अभी तकरीबन 3 मिनट एक साइड से हमने इसको पका लिया है, 3 मिनट दूसरी साइड से। तो अभी हम इसको निकाल देंगे, ये अच्छी तरीके से पक चुका है। इस तरह आपने कोई बड़ी सी ट्रे रख देनी है इसके ऊपर और इसको पलटा देना है और इसमें निकाल देना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको निकाल दिया है, अभी हम आपके सामने काट कर दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है बहुत ही तरीके से। तो ये देखिए अभी हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये आपने पहले नहीं बनाया होगा, आपने एक बार ज़रूर बनाना है। अगर आपने बनाया भी होगा लेकिन इस तरह नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही टेस्टी पुलाव रेडी हो चुका है। किले किले चावल है इसके, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इस तरीके से तैयार हो चुका है। ये आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।